बैंक कर्मचारी और ऑफिसर्स की जो सैलरी है, अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो हमारी सैलरी बहुत कम है। और काम के मामले में आप देखेंगे, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, दिन रात लग के काम हुआ, और गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज बैंकों के ऊपर डाली गई हैं। आज की डेट में बैंकों पे काम इतना बढ़ गया है, हम ये डिमांड करें कि हमारी एक रीजनेबल वेज डिवीजन होना चाहिए। हमें 2% जो इन्होंने कहा कि हम 2% देते हैं एक साल बात करने के बाद, वो कहीं से भी किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये 2% का हाइक जो है, इट इज़ अनरीजनेबल एंड अनजस्टिफाइड, और इसीलिए स्पॉन्टेनियसली ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, दे डिसाइडेड टू गो ऑन 2 डे स्ट्राइक। कि इतनी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बैंक के ऑफिशियल्स ने रन की हैं एंड दैट टू सक्सेसफुली रन की हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल हमें ऑफर मिलेगा, बट वो हुआ नहीं। हमें जस्ट 2% का हाइक ऑफर किया गया। पिछली बार 15% पे हुआ था, उससे पहले 17.5%। ये 2% पे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उस पर आते आते 3 साल लगे। गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग लास्ट में नहीं है, क्योंकि पिछला समझौता हमारा 15% पर हुआ था, उससे पहले 17.5% पर हुआ था, और तो कोई भी समझौता हमारा कभी भी 13% से कम नहीं हुआ। तो ऐसे समय में जबकि जो है आपका महंगाई भी बढ़ चुकी है सारी चीज़ें, तो 2% जो है बहुत ही इंसल्टिंग ऑफर है। जो कि 2% गवर्नमेंट ने ऑफर किया है, आई थिंक वो एक जोक है, क्योंकि 2% से बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और डिजर्व भी करते हैं। और हमें तो हड़ताल करने का शौक नहीं है, सड़कों पे उतर कर गर्मी के अंदर जो है हम प्रदर्शन करें, हड़ताल करें, वो हमारा कोई शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि इतना कम ऑफर, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। पिछले 17 दिनों से जो आप देखिए पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम जो है, अब ये प्राइस इंडेक्स में अभी इमीडिएटली थोड़े रिफ्लेक्ट करेगा। जनधन योजना हो, उसमें करोड़ों अकाउंट खोले गए, बैंक एम्प्लॉइज ने खोले। मुद्रा लोन हो, आज सरकार क्लेम करती इतने मुद्रा लोन दिए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे काम करने वाले तो बैंक एम्प्लॉइज थे। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि सरकारी बैंक दबे रहे, मेन कारण है। आप देखिएगा कि अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़े रहे हैं, हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मतलब कि हमारे जो खर्चे निकालने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कि बैंक के अंदर काम हो रहा है, बैंक के अंदर जमा भी आ रही है, लोन भी हो रहे हैं। पर बैंक में जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसके कारण, नीतियों में क्या होता है कि प्रोविजनिंग, आज हमारा जो लाभ है 70% लाभ तो प्रोविजन के अंदर चला जाता है, उसकी वजह से आपको ये घाटे नज़र आते हैं। बैंक एम्प्लॉइज की तनख्वाह बहुत निचले स्तर की है, और ट्रांसफरेबल जॉब है, दिन रात ग्राहकों का प्रेशर उनके ऊपर रहता है, हर काम जो वो करते हैं इट इन्वॉल्व्स मनी ट्रांजेक्शन और रिस्क पर रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन में प्रत्येक एम्प्लॉई ने हजारों रुपए का जो है वो शॉर्टेज होने की वजह से अपनी जेब से देना पड़ा। ये कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कहा जाता है कि 10 से 4 बजे तक की बैंकिंग है जो जनरली लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक की भी सिटिंग रहती है, वीकेंड पे भी हमको बुलाया जाता है, और जब भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो उसमें टाइम या फिर डेज को नहीं देखा जाता है, 24 आवर्स के हम लोग इम्प्लॉयज हैं, तो हमें उसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है काम करने के लिए। केवल पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनकी वजह से इस देश का बैंकिंग व्यवस्था, आपका आर्थिक व्यवस्था, आपका फाइनेंशियल सेक्टर बचा हुआ है। दिस पब्लिक सेक्टर इज द टेंपल ऑफ ग्रोथ, टेंपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बची हुई है। इसी तरीके से अगर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मल्ला जैसे लोग हजारों करोड़ लेके जाते रहेंगे, और जो कर्मचारी अधिकारी बैंकों में सिंसियरली काम करते रहे इतने वर्षों तक, खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना उसके अंदर।